दोस्तों स्वागत है और एक न्यू वीडियो पे जो कि होने वाली है होंडा की एलिवेट के ऊपर। आज मैं कंपेयर वीडियो डालूंगा और इसका पूल आपको डिटेल रिव्यू दूंगा कि क्या क्या इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और ये आप हमारे सामने रहने वाली है आज की वीडियो में वी जो सेकंड बेस है, ये टॉप मॉडल रहने वाला है जो कि ZX के नाम पर देखने को मिल जाता है। कलर ऑप्शन आपको टोटल 7 मिल जाते हैं इसमें देखने को और 3 डुअल टोन का भी कलर ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है। प्राइसेस की बात करूँ तो एक शोरूम प्राइस आपको ये आपको रहने वाली है मैनुअल में 12,10,000 आपको मिल जाती है एक शोरूम देखने को, और ये इसकी बात करें तो 14,89,900 देखने को मिल जाती है धनबाद के अंदर में, ठीक है। बाकी बात करो इसके फ्रंट प्रोफाइल के से तो फ्रंट प्रोफाइल का लुक आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल रहा है। सेम आपको ग्रिल मिल जा रही है, बाकी आपको ग्रिल इसमें मैट मिल जाती है, इसमें ग्लॉसी ब्लैक का टच देखने को मिल जाता है। होंडा की लोगो सेंटर में देखने को मिल जाती है और सिग्नेचर स्टाइल आपको क्रोम बेस्ड लाइन मिल जाता है ग्रिल के ऊपर में, मैसिव ग्रिल तो मिल ही रही है। साथ ही साथ ये सेम सेटअप मिल जाता है टॉप मॉडल वाला, LED बेस रहने वाला है। और ये ऊपर में आप चेक कर रहे हो यहाँ पे इसके DRL और इंडिकेटर दोनों इसमें ही प्लेस करा गया है। बाकी इस वेरिएंट में वी में आपको यहाँ पे फॉग लैंप नहीं देखने को मिलती है, बाकी इसमें आपको फॉग लैंप देखने को मिल जाती है, ठीक है। कुछ इस टाइप का आपको फ्रंट प्रोफाइल के लुक्स रहे, कैसी लग रही है आप ये कमेंट करना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए टॉप मॉडल के साइड प्रोफाइल में आपको चेक कराऊँ तो क्या आपको लुक दे रही है। कुछ इस टाइप का लुक है, अलॉय व्हील का सबसे पहले डुअल टोन आपको अलॉय व्हील मिल जाता है देखने को, और जिसकी प्रोफाइल रहने वाली है ना 215x55R17 inches के आपको अलॉय मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाते हैं, रियर में आपको ड्रम्स मिल जाते हैं। और इसकी बात करूँ वी की तो वी में आपको क्या प्रोफाइल देखने को मिल रही है अपने को 215x60R16 inches के आपको स्टील रिम मिल रहा है। सेम इसमें आपको ब्रेक्स के काम देखने को मिल रहा है, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम। बाकी आपको इस वेरियंट में टॉप में आपको लीन वॉच कैमरा मिल जाता है, वी में आपको वो चीज़ की कमी रहने वाली है। टॉप मॉडल में आपको सनरूफ मिल जाते हैं, इसमें वो चीज़ नहीं मिलती। एडास मिल जाते हैं टॉप में, इसमें वो चीज़ नहीं देखने को मिलती। रूफ रिल्स मिल जाते हैं टॉप में, इसमें वो चीज़ नहीं देखने को मिलती। बाकी आपको फ्रंट प्रोफाइल में कोई चीज़ की कमी नहीं है। चलिए इसके साइड प्रोफाइल में चलते हैं तो साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पे क्लैडिंग का वर्क देखने को मिल जाता है व्हील आर्च से लेके डोर पैनल्स के साथ में। और इस वेरिएंट में भी आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर का काम देखने को मिल रहा है। ORVM में आपको बॉडी कलर्ड मिल जा रहा है, उसमें भी आपको बॉडी कलर्ड ही देखने को मिल जा रहा है। तो चलिए उसका ये आपको डोर पैनल्स की क्लैडिंग दिखाऊँ क्या डिफरेंस लग रहा है देखने को। ये जो आपको सिल्वर बेस रहने वाला है वो आपको डिफरेंस रहने वाला है, ज़्यादा की आपको डिफरेंस नहीं रहने वाली है, ठीक है। इसमें आपको एसेसरीज बेस्ड आपको यहाँ पे लगा हुआ है वो आप इसमें भी लगा सकते हो, बाकी ज़्यादा का फर्क नहीं है। रूफलेस की बात तो मैं कर चुका हूँ, कुछ इस टाइप का आपको साइड का लुक रहने वाला है। तो चलिए इसके रियर की आपको प्रोफाइल में चेक कराऊँ तो पहले वी से शुरू करूँगा। वी आपको यहाँ पे LED ब्रेक लाइट का काम देखने को मिल रहा है, इंडिकेटर, रिवर्स, IVTEC की बैजिंग, एलिवेट, 1 रिवर्स कैमरा, 4 पार्किंग सेंसर्स, आपको रिफ्लेक्टर्स, स्कर्टिंग्स, आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप के लुक। और यहाँ पे रियर की विंडो में भी आपको डिफॉगर का वर्क, यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप्स, एंटीना, ठीक है। वाइपर की कमी रहेगी। बाकी इस वेरिएंट की मैं जाऊँ ZX में तो ZX में आपको रियर विंडो की बात करूँ तो रियर विंडो में आपको यहाँ पे डिफॉगर मिल जा रहा है, यहाँ पे वाइपर मिल जा रही है, यहाँ पे वाशर जेट मिल जा रहा है, हाईमंड स्टॉप लैंप मिल जा रहा है, एंटीना की प्लेसमेंट मिल जा रही है। सेम सेटअप आपको लाइट्स के मिल जा रहे हैं, सेम आपको जो देखने को मिल रहा है LED का, ठीक है। एलिवेट की बैजिंग, IVTEC की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर की काम देखने को मिल जा रही है और 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जा रहे हैं। अब चलिए इसके इंटीरियर्स को मैं चेक करूँ तो इंटीरियर्स में आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है। सबसे पहले मैं इसके वी वेरियंट में जाऊँगा तो वी आपको डुअल टोन का इंटीरियर्स देखने को मिल जा रहा है, सॉफ्ट एंड हार्ड टच इसमें डोर पैनल्स में आप चेक कर सकते हो। बाकी आपको पावर विंडो का सेटअप इसमें देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली पोल और एडजस्ट आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, 1 लीटर का बोतल होल्डर का स्पेस मिल जाता है, स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, ठीक है। और जो सीट का फिनिशिंग रहने वाला है आपको फैब्रिक फॉर्म में मिलने वाली है, हाइट एंड रिक्लाइन दोनों आपको लिवर देखने को मिल जा रहा है। बाकी आप कुछ यहाँ से चेक कर लो, ऐसा लुक है। और इस वेरियंट में आपको 8 इंच के अंदर यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जा रहा है देखने को, और कुछ इस टाइप का वर्क है।
गियरबॉक्स को चेक कर लो, 6-speed गियरबॉक्स रहने वाली है। बाकी इसकी क्लस्टर को मैं चेक कर रहा हूँ, तो क्लस्टर कुछ इस टाइप का इसमें देखने को मिल जा रहा है अपने को। एनलॉक बेस्ड रहने वाला है, स्पीडोमीटर RPM वहाँ पे चेक कर लो, सेंटर में MID की प्लेसमेंट और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, राइट साइड में जो लीवर देखने को मिल रही है अपने को, इंडिकेटर और हेडलैम्प का देखने को मिल रहा है। बाकी लेफ्ट साइड में इसके वाइपर का काम देखने को मिल रहा है, सेंटर में होंडा की बैजिंग और लेफ्ट साइड में इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स, ठीक है, कुछ इस टाइप का माहौल बना देती। तो एक बार इसकी रियर की रो की बात करो, तो रियर रो में आपको कुछ इस टाइप का आपको वर्क देखने मिल रहा है। सेंटर के पैसेंजर्स के लिए, रियर के पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे AC वेंट्स मिल जा रहे हैं, आइसोफिक्स की बैजिंग मिल जा रही है, आपको सीट्स बेल्ट भी इसमें ऑफर करा गया है, हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल रहे हैं, और अंडर थाई सपोर्ट तो ज़बरदस्त रहने वाला है, नी रूम तो ज़बरदस्त रहने वाला है। इसका फुल वीडियो मैं डालूंगा, वो भी आपको चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए इसके आपको इंटीरियर्स को मैं चेक कर रहा हूँ, तो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल जाती है अपने को। तो इसके इंटीरियर्स में आपको फुल्ली लेदर का काम देखने को मिल रहा है, ठीक है। डोर पैनल्स में भी आपको डुअल टोन का वर्क देखने को मिल रहा है, जो कि सॉफ्ट टच होने वाली है। और यहाँ पे इसकी पावर विंडो सेटअप आपको RPM का इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड कर सकते हो, 1 लीटर का बोतल होल्डर का स्पेस, और यहाँ पे स्पीकर और ये ट्विटर, ये डिफरेंस रहा एक। बाकी सीट में आपको फुल्ले आपको डिफरेंस मिल रहा है इसमें देखने को, और जो सीट की फिनिशिंग इसमें रहने वाली है वो एकदम टॉप नॉच रहने वाली है, कुछ इस टाइप का आपको माहौल बना देती है। साथ ही बात करो इसके क्लस्टर की, तो क्लस्टर में आपको यहाँ पे डिजिटल क्लस्टर मिल जा रहा है देखने को, ये चेक कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप का लुक है। आप इसके स्पीडोमीटर RPM को चेक कर सकते हो, सेंटर में MID का काम देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल रहा है, राइट साइड में जो लीवर देखने को मिल रहा है इसके इंडिकेटर और हेडलैम्प का देखने को मिल रहा है, लेफ्ट साइड में इसके वाइपर की कंट्रोल्स को चेक कर सकते हो, और जो इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम का वर्क देखने को मिल रहा है आपको 10.25 inches के अंदर देखने को मिल जा रही है। बाकी इस वेरिएंट में आपको स्टीयरिंग व्हील में रैप मिल रहा है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं, एडास का यहाँ पे बटन का काम देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का भी सेटअप मिल रहा है। बाकी यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करा गया है, एक मिनट मैं बंद कर दूं, तो ये एक चीज़ और ऐड ऑन करा गया है, यहाँ पे वायरलेस का आपको ऑप्शन मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB का सॉकेट, और यहाँ पे 2 cup holder, और ये जो गियर नॉब है आपको सेम मिल रहा है देखने को, और इंटीरियर में आपको खूब धमाल सा इंटीरियर इसमें देखने को मिल रहा है। बाकी आपको इसमें 4 speaker 4 ट्विटर चारों दरवाजे में देखने को मिल रहे हैं, इसमें ऐड ऑन ये आपको सनरूफ भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ये चीज़ में डिफरेंस आ रही है, जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वैनिटी मिरर आपको इस वेरिएंट में प्रोवाइड हो रही है ड्राइवर साइड में, उस वेरिएंट पे आपको ड्राइवर साइड में नहीं हो रही थी, वो ड्राइवर में हो जा रही है, लेकिन उस वेरिएंट में को ड्राइवर में लाइट आपको नहीं मिल रहा है वैनिटी मिरर के साथ में, ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो चलिए इसके रियर प्रोफाइल को मैं चेक करवा दूँ, तो रियर की प्रोफाइल ये चेक कर लो, ठीक है, ज़बरदस्त डुअल टोन का इंटीरियर आपको देखने को मिल रहा है, सेम आपको सीट बेल्ट का काम भी देखने को मिल रहा है। फ़र्क इतना है कि इसमें आर्मरेस्ट नहीं मिलता, इसमें आपको रियर की पैसेंजर्स के लिए भी आर्मरेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपको 2 cup holders का काम देखने को मिल रहा है। AC का सेटअप आपको इसमें देखने को मिल रहा है। बाकी इसमें आपको यहाँ पे मैगजीन का पॉकेट भी देखने को मिल जा रहा है, और ग्रैब हैंडल्स, और यहाँ पे रूफ लाइट यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, और उसमें आपको ड्राइवर साइड से थोड़ा सा पीछे में देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसका और उसका डिफरेंस है, प्राइसेस तो मैंने आपको बता दिया, इंजन आपको सेम देखने को मिल रही है, पावर एंड टॉर्क आपको सेम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो एक बार मैं इसके DRL को ऑन कर दिया हूँ, तो आप यहाँ से जाके चेक कर लो, ये देखो कैसी लग रही है आपको, बताओ, कमेंट करो। तो इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताऊँ, तो सेफ्टी में आपको ABS, EBD, ESC, ट्रैक्शन, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट और एयरबैग आपको 2 ही मिल रहे हैं। बाकी टॉप मॉडल जाओगे तो आपको 6 airbag देखने को मिल जाते हैं, कोई कमी नहीं है, बस एयरबैग की कमी है, एडास की कमी हो जा रही है, और यहाँ पे लेन व कैमरा की कमी हो जा रही है टॉप मॉडल के हिसाब से। बाकी आप बताओ कमेंट करके कि आप कौन सा वेरिएंट चूज़ करोगे, क्योंकि ज़्यादा का अंतर नहीं है, फ़र्क नहीं है, सनरूफ नहीं है, बाकी 3-4 चीज़ नहीं है, बाकी सब लुक एक जैसे है। कौन सा आप सेलेक्ट करोगे ये आप कमेंट करना, और वैल्यू फॉर मनी कौन से रहने वाली है
ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, अगर चैनल पर नहीं तो जाके सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना और शेयर कर लेना दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे, धन्यवाद।